देश की राजनीति। पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर जेएमएम में सीट शेयरिंग को लेकर 7-6-1 का फॉर्मूला लेकर बैठी हुई है। सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन की लोक लाज के लिए जेएमएम कहां तक समझौता करने को तैयार होती है। वहीं हम 2014 के चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस 6 सीटों पर, भाजपा 2 सीटों पर, जेएमएम 1 सीट पर और जेवीएम 1 सीट तथा आरजेडी और माले 1-1 सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि सिंहभूम में गीता कोड़ा और एनोस एक्का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दूसरे स्थान पर रहे। आंकड़ों में साफ है कि 2014 के चुनाव कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के उम्मीदवार कुल 8 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि 2019 के चुनावों में यूपीए गठबंधन 10 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहा था। कुल मिलाकर आंकड़ों पर नजर डाले तो 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 6-6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही है और उस लिहाज से कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाने के मूड में है। लेकिन देखना यहाँ दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन की गांठों में कितनी एकता बनी रहती है।